और जिन्होंने कुफर किया तो इनके लिए हलाकत है, मतलब जिन्होंने ना माना, और अल्लाह ने इनके माल बर्बाद कर दिए। अकेली मैं ही नहीं, मैं कुछ भी नहीं हूँ, जो मेरे साथ ख़वातीन हैं वो भी, जो सच्चे दिल से लगी हुई हैं दीन के काम में मेरे साथ, अल्लाह उन वो भी मेरे साथ इसी तरह ही हैं, उनके ऊपर उनकी भी अल्लाह मदद करेगा इंशाल्लाह, उनके साथ भी अल्लाह की रहमतें। और ये इस वजह से कि उन्होंने इस किताब को ना पसंद किया जो अल्लाह ने नाजल फरमाई, तो इसने इनके अमाल अकारत कर दिए। अकारत मीन ज़ाया, वेस्ट कर दिए। क्या उन्होंने ज़मीन में सफ़र सियाहत नहीं की कि वो देख लेते कि इन लोगों का अंजाम कैसा हुआ? फिर अल्लाह फरमा रहा है जाओ ना ज़रा देखो उन बस्तियों का हाल क्या हुआ, कि इन लोगों का अंजाम कैसा हुआ जो इनसे पहले थे। अल्लाह ने इन पर हलाकत और बर्बादी डाल दी, और काफ़रों के लिए इस तरह की बहुत सी हलाकतें हैं। ये इस वजह से कि अल्लाह इन लोगों का वली मददगार है जो ईमान लाए, ये इस वजह से कि अल्लाह इनका इन लोगों का वली और मददगार है जो ईमान लाए, और बेशक काफरों के लिए कोई वली और कोई मददगार नहीं। बेशक अल्लाह इन लोगों को जो ईमान लाए नेक अमल अमाल करते हैं, अल्लाह क्या फरमाता है युदखिलुल्लज़ीना आमनू, जो लोग नेक अमल करते हैं या करते रहे बहिश्तों में दाखिल फरमाएगा, जिनके नीचे नहरें जारी हैं, जन्नत इन ताजरी में ताहते हल अनहार। वल्लज़ीना कफरू, और जिन लोगों ने कुफर किया और दुनियावी फ़ायदे उठा रहे हैं, इसी तरह खा रहे हैं जैसे चुपाए जानवर खाते हैं, सो दोज़ख़ का ठिकाना। ज़्यादा खाना मोमन एक आंख से खाता है, काफिर सात आंतों से खाता है। मेरा जो चैनल अभी बना है ना, स्कॉलर किंजा नदीम ऑफिशियल, जो अभी इसी रमज़ान में मैंने बनाया, उसमें मैंने ग़िज़ा के बारे में बताया है। वो ज़रूर आप लेक्चर सुने कि जो ग़िज़ा वो कैसी खानी चाहिए। मैं चूँकि यहाँ दौरे कुरान करवा रही हूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं बता सकती, सिर्फ इतना कहूँगी कि मोमन एक आंख से खाता है और काफिर सात आंतों से खाता है। हिसाब लगा लें आप, यहाँ अल्लाह फरमाते हैं इस तरह ना खाया करो जिमें जानवर अगाली कर देने, जिमें जानवर खा देने। ये आयत का यही तर्जुमा, इस तरह खा रहे हैं जैसे चुपाए यानी जानवर खा रहे हैं। थोड़ा खाया करो, थोड़े खाने से बंदे की सेहत होती है। और ए हबीब, कितनी ही बस्तियाँ थी जिनके बशिंदे वसाइल इकतदार में आपके इस शहर मक्का के बशिंदों से ज़्यादा ताकतवर थे, पैसा था, दौलत थे, वसाइल थे, आसाइशें थी, सहूलतें थी, लेकिन अल्लाह फरमाता है जिसके मुकद्दर वडेरों ने सबुल अल्लाह अकबर आपको बसूरत हिजर निकाल दिया था, जहाँ वहाँ के जो मौजूद लोग थे या जो चौधरी होते हैं उन्होंने आपको वहाँ से निकाल दिया था। कितने ही लोग थे ऐसे जो अपने आपको बहुत ताकतवर समझते थे, वहाँ के जो मौजूद लोग थे उन्होंने वहाँ के जो मौजूद और वडेरे थे उन्होंने आपको बसूरत हिजरत निकाल दिया जब हजूर मक्के से मदीना गए। हमने इन्हें भी हलाक कर डाला, फिर इनका कोई मददगार ना हुआ जो इन्हें बचा सकता। अल्लाह फरमाते महबूब तुझे निकाला था ना मक्के से, तो हमने इन्हें भी, तो किधर गया उनका वो चुदरा हट, और किधर गया वो उनका पैसा, किधर गई वो उनकी दौलत, आखिर वो भी मर के मिट्टी हो गए, तो मोहल्लात यहीं छोड़ गए, बंगले यहीं छोड़ गए। सो क्या वो शख्स जो अपने रब की तरफ से वाज़ह दलील पर कायम हो इन लोगों की मिसल हो सकता है जिनके बुरे अमाल इनके लिए रास्ता करके दिखाए गए हों या दिखाए गए हैं, वो अपनी नफसानी ख्वाहिशात के पीछे चल रहे हैं। जिस जन्नत का परहेजगारों से वादा किया गया है, इसकी सिफ्त यह है कि इसमें ऐसे पानी की नहरें होंगी जिसमें कभी बू या रंगत का तगैर नहीं आएगा।